नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। यूपी में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर सैकड़ों विद्यार्थी आज धरना प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहाँ उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती में आयु सीमा में छूट दी जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। विद्यार्थियों ने आयु सीमा में 3 साल की छूट दिए जाने की मांग की और मांग पूरी न होने पर आत्महत्या की भी चेतावनी दी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल 2023 में यूपी पुलिस कांस्टेबल की सीधी भर्ती के लिए नियुक्ति निकाली है, जिसमें 60,244 पदों पर पुलिस कांस्टेबल की सीधी भर्ती की जाएगी। विद्यार्थियों का कहना है कि नवंबर 2018 में यूपी पुलिस ने भर्ती निकाली थी, जिसके बाद से अब तक प्रदेश की सरकार ने विद्यार्थियों के लिए यूपी पुलिस में कोई भर्ती नहीं निकाली है। 5 साल में सरकार द्वारा नियुक्ति नहीं निकाली गई, जिसके चलते जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। लेकिन अब सरकार ने 2023 में नियुक्ति निकाली है, जिसमें उन्होंने 22 वर्ष विद्यार्थियों की उम्र रखी है, जो सरासर विद्यार्थियों के साथ अन्याय है। विद्यार्थियों का कहना है कि और अन्य राज्यों में पुलिस भर्ती के लिए छूट दी गई है, लेकिन यूपी सरकार ने विद्यार्थियों के साथ अन्याय किया है। विद्यार्थियों ने कहा कि पुलिस भर्ती की आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाए और अगर उनकी ये मांग पूरी नहीं होगी तो उन्हें आत्महत्या करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। छात्र हिमांशु कौशिक ने बताया। अब 2023 में यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई है, सभी को पता 60,244 पद निकले हैं इसमें, और नवंबर 2018 में भर्ती आई थी, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई। इस बीच में कोरोना काल भी आया है और 5 साल हो चुके हैं भर्ती आने के अंतराल में, 5 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। जब युवा 2018 में भर्ती की तैयारी कर रहे थे तो उनकी एक आध महीना कम रह गई, तो वे इस वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए। और अब 2023 में जो 22 साल से ओवर एज हो गए हैं, बगैर पेपर दे हुए ओवर एज हो चुके हैं, तो उनके साथ सरासर अन्याय हुआ है ये। और 2023 में ये जो लड़के हैं जिनके पहले 23 साल थी, अब 2023 में जो भर्ती आई है, पहले 2018 में जो भर्ती आई थी उसमें 23 साल जनरल एज की जो होती थी, जनरल एज 18 से 23 होती थी, अब ये 22 कर दी गई है, 1 साल और घटा दी गई है। हमें कोई छूट नहीं मिली है और जितनी भी भर्ती हुई हैं SSC GT हुई, केंद्र सरकार की जितनी भी भर्ती हुई उनमें सब में 3-3 साल की छूट दी गई है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश पुलिस में भी 3 साल की छूट दी गई है। तो हमारे सभी से ये आग्रह है कि हमारी भी छूट दी जाए, हमें भी, जितने भी युवा छात्र यहाँ इकट्ठे हुए हैं सभी की जिंदगी दांव पर लगी हुई है और किसी को भी छूट नहीं मिली। सभी छात्र बहुत मध्यम एक मिडिल फैमिली से हैं और गरीब परिवार से हैं, हम सभी बच्चे एक यूपी पुलिस पर आस लगाए बैठे थे और किसी भी बच्चे को ये नहीं मिली। बहुत लड़के आत्महत्या कर रहे हैं और फिर अगर जो नहीं मिलेगी तो हमें भी आत्महत्या ही करनी पड़ेगी, हम क्या करेंगे, मजबूरी क्या करेंगे। सब कहते हैं कि सरकार गरीब की सुनती है, हम आज सरकार के पास आए हैं, गरीब हैं हम, हमारी सुनी जाए। हम आपसे ये विनती करते हैं, जब हमारे ऊपर सरकार है हमारी सुनती है तो आज हमारी सभी छात्रों की सुननी चाहिए। सभी बहुत मध्यम परिवार से बच्चे आए हुए हैं ये, और इनकी आयु सीमा छूट के लिए कुछ ना कुछ सरकार को जरूर छूट देनी चाहिए। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।